हम खुशी के लिए सुनो नौजवान दोस्तों, हम ही काफी है जिंदगी के लिए, जो हमें जख्म देख छोड़ गया, जो हमें जख्म देख छोड़ गया, जो हमें जख्म देख छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी दुबई में छोड़ के जा रहा हूँ, याद रह जाएगा। हम तड़पते रहे उसी के लिए, जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी। हमारे कई सीनियर शोरा ग्राम के बैठे हुए हैं जी, तो मैं शेर पेश कर रहा हूँ। मैंने इस शेर में, इस शेर का मेरे जो किरदार है वो लोग हैं जो सारी जिंदगी एक एक ईंट करके अपनी इमारत बनाते हैं, और वो मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ वो इमारत बहुत मजबूत होते हैं। एक रात में जो इमारत बनती है वो एक ही दिन में गिर जाती है। ये मुरादा फरमाइश है, हमने खाया था खुदकुशी के लिए। सुनिएगा दोस्तों, कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी। जिंदगी के लिए मरना पड़ता है, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए। ये कहा जाता है हमारे बुजुर्ग शायद भी ये कहते हैं, आसान कहना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे तमाम लोग बैठे हुए हैं, मैं ये सुना रहा हूँ तो इतनी आसान है। मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, उम्र भर जिसका इंतजार किया, उम्र भर जिसका इंतजार किया, उम्र भर जिसका इंतजार किया, वो मिला भी तो दो क्या कहना चाहते के लिए। वाह वाह, उम्र भर जिसका इंतजार किया, वो मिला भी तो दो घड़ी, मिला भी तो दो घड़ी के लिए। और आखिरी शेर ईशा अब रख देना, और मैं मिला भी तो दो घड़ी। गजल क्या होती, जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, ओस गिरती रही नमी। दोस्तों दुबई में बहुत सीनियर कन्वीनर हैं सलाउद्दीन भाई, उनका एक मैसेज आया, उन्होंने कहा एक मतलब एक शेर के लिए हुक्म है, वो मैं आखिर में पढ़ के चाहता हूँ, तो ये एक बार ताली बजा के मुझे बता दे। मैं ये आखिरी उससे न
जस्तजू भी है, उसे मिलने की जस्तजू भी है, उससे मिलने की जस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है, और वो मैं, और ये शेर सुन ले, इंशाल्लाह कोई खामोश नहीं रह पाएगा, सुनिए भाई, और वो मेरे रूबरू भी है, हमने सोचा था दिल जला डाले, हमने सोचा था दिल जला डाले, हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है। हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है। आजम शागिरी साहब को आप सुन रहे थे, और आजम साहब के किसके शेर की तारीफ करूं, मैं तो उसी शेर में खोया हुआ हूं, बात भी करनी मुश्किल है, क्यों इतनी बीकर आए। अगर मुझे कहने दें तो मैं यहाँ एक शेर कहना चाहता हूं, और एक इस बात से जोड़ता हूं कि मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं कदा तो मेरी मुझे कहने दे तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बच्चे जवान हो गए, अब छोड़ दो शराब, करीम है औलाद से डरो। बच्चे जवान हो गए, अब छोड़ दो शराब, अल्लाह तो करीम है औलाद से डरो। और हजरात गिरामी मैं कहना चाहता हूं कि कभी फैज ने कहा था कि हम परवरिश लोगों कलम करते रहेंगे, जो दिल में गुजरती है रकम करते रहेंगे, एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। फैज के इस वादे को जब आज की नस्ल ने पूरा किया, तो हमने इस तरह के शेर कहकर अपनी बात मुकम्मल की कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला।